तो भाई अब जो है हमारा जो है ये जो है दुल्ला लगाया हुआ है मेले के अंदर, ये स्टार्ट हो चुका है। हरीश भाई ने तो चक्कर आने लग रही है। सारे दर्शकों भाई राम राम। तुम पहले तो चक्कर वाली कोई बात, हमारे सभी दर्शकों को HR16 धमाका न्यूज की तरफ से सभी को जय श्री राम नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं औरंगाबाद में, जहाँ के बहुत बड़े जो है मेले का आयोजन किया गया था। आपको जो है हम यहाँ पे कुछ मेले की झलकियाँ दिखाएंगे। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है बाबा खेड़ा के नाम से जो है यहाँ पे मंदिर है, जिसकी जो है यहाँ के नज़दीकी ग्रामीणों की बहुत आस्था है, और उसको लेकर के हर उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्षाबंधन के जो है त्यौहार है हमारा जो है राष्ट्रीय पर्व है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्यौहार। उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे जो है औरंगाबाद में भिवानी जिले के औरंगाबाद गांव में जो है बाबा के मेले का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर जो है बहुत अच्छी जो है यहाँ पर जो है जोत बत की जाती है, और जो है यहाँ पर बहुत अच्छे खूबसूरत दूल्हे और बच्चों के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हमारे पास हमारे से जुड़े हुए हैं कुछ ग्रामीण, उनसे आपकी वार्तालाप कराते हैं। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। आप यहीं के औरंगाबाद के निवासी हो? मैं बामड़ा गाँव का निवासी हूँ। तो ये जो है मेले की जो है ये परंपरा चलती आ रही है रक्षाबंधन पे उपलक्ष्य में, एक भाई बहन के प्यार के प्रति जो है हमारा जो त्यौहार है, इसके उपलक्ष्य में जो है मेले की ये कब से चली आ रही है भाई परंपरा? ये बहुत पुरानी चलती आ रही है, मैं बचपन से पैदा हुआ था तभी से देखता आ रहा हूँ। एक बार मैं कैमरा मैन से कहूँगा उस साइड से जो है दिखाइए, ये जो हमारा दिल्ली भिवानी लिंक रोड है, जो कि जिसके ऊपर जो है आप देख सकते हो कितनी तादाद में जो है श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे भी जो है आए हुए हैं, मनोरंजन के लिए इनका विशेष ख्याल रखा गया है। आइए जो है आपको कुछ और अंदर मेले की जो है झलकियाँ दिखाते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? सुभाष नाम भाई। सुभाष, तो भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? फरक्का भाई। फरक्का, तो मतलब आप यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो? हर साल आते हैं भाई। तो कैसी मान्यता है यहाँ पे बाबा जी की? बहुत तगड़ी मान्यता है भाई। तो और यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम, इतनी लाखों की तादाद में हमें यहाँ को भीड़ देखने को मिल रही है, इसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए यहाँ पे? भाई सुरक्षा इसकी बाबा की है, सारी सुरक्षा बाबा खेड़े की है। मतलब प्रशासन की तरफ से इसको यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं? किसी साल भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी, जैसे रोड का काम है फिर भी बाबा की कृपा ताड़े कोई घटना नहीं घटती। आप देख सकते हो यहाँ जो है ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, इधर आप देखोगे तो मंदिर का जो है प्रवेश द्वार है, जहाँ श्रद्धालु काफ़ी भीड़ है, जहाँ श्रद्धालुओं की जो है काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। आप देख सकते हो हमारे HR16 धमाका न्यूज़ के माध्यम से बजा ले भाई।
जय बाबा जी, बाबा जी नाम है। अभी जो है यहाँ पर हमारे साथ में और श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, ये हम आपसे जो है उनको भी जो है आपसे रूबरू करवाते हैं, तो आपका नाम बता दीजिए जी। पर मार्गदर्शन है, मेरा नाम मास्टर कमल सिंह है जी, गांव बामड़ा से। आप सरकारी टीचर हो? सरकारी टीचर है जी। तो जी ये बताया जा रहा है मतलब बाबा जी की परंपरा जो है हर वर्ष जो है यहाँ पे रक्षाबंधन के ऊपर मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल, हर साल होता है जी रक्षाबंधन मेले पर, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। जैसे कि बाबा जी की जो है कितने सालों से जो पे यहाँ पे मान्यता है बाबा जी की? काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हम तो, ये 700-800 साल से कम। और जो है यहाँ पर जो है बाबा जी के आश्रम के अंदर जो हर वर्ष की भांति जो मेले का आयोजन किया जाता है रक्षाबंधन के उपलक्ष में, भाई बहन के त्यौहार के उपलक्ष में, तो यहाँ पर जो है सुरक्षा की व्यवस्था? सुरक्षा की व्यवस्था तो खुद गांव वाले करते हैं, जैसा कि हम उसके गांव की तरफ से, जैसा कि जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम गाँव की तरफ से होता है। आइए जो है हमारे साथ में बने रहिए, ऐसा 16 धमाका न्यूज। नौरंगाबाद, भिवानी जिले के नौरंगाबाद गांव में जो ये है, भिवानी जिले के नौरंगाबाद गांव में जो बाबा खेड़े का नाम से जो है विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, आज हम उस जो है उस मेले में लगे जो है इस झूले व्यवस्था के बारे में जो है देखने के लिए झूले के अंदर बैठे हैं। और यहाँ पे हमारे जो है कुछ साथी है इसी गांव के भाई, यहाँ पे बामड़ा गांव से ही है भाई। ये जो है बामड़ा गांव से है, एक बार मार्गदर्शक का नाम बता दे भाई। मेरा नाम मनीष है जी। मनीष, तो मनीष भाई जो है ना कैसी व्यवस्था है मेले की? हमारे यहाँ मेले पर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जो बाहर से पहलवान आते हैं अखाड़े में दंगल करने के लिए उनके रहने के लिए बंदोबस्त है, खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त है, और युवा आगाध संगठन की जो हमारी कमेटी है वो भी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। कितने सालों से जो है ये मेले का आयोजन किया जा रहा है जी? ये तो काफ़ी कई साल हो गए, जब से गांव बसा जब से परंपरा चालू है रक्षाबंधन के दिन।
तो आज जो है मतलब भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, आज के दिन जो है यहाँ पर इतना अच्छे मेलों का, तो यहाँ काफी जो है ना श्रद्धालु आए होंगे। हाँ, बहुत से श्रद्धालु आते हैं जी, इसमें लगभग हमारी सिस्टर और बुआएं जो भी है सभी आती हैं, इस दिन लगभग सभी आती है, 12 गांव के आते हैं यहाँ पर। बहुत ही पावन धाम है हमारा ये, इस दिन ये बड़े तो पर्व के साथ ये त्यौहार हमारा रक्षाबंधन का मनाया जाता है। तो मतलब इस बाबा के बारे में और क्या विशेषताएं बताओगे आप, जो है कैसे प्रचलित है ये बाबा जी जो है यहाँ पर? यहाँ पर ये बाबा जी ने तपस्या की थी और इस धरती ने वरदान है, जो भी यहाँ आकर रहेगा वो बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे गांव बामड़ा में लगते IPS भी लगते हैं और बहुत सारे DSP भी है और मेजर रणजीत सिंह भी हुए हैं। इस धरती ने वरदान है, बहुत ही सक्सेस व्यक्ति होते हैं हमारे यहाँ इस जमीन पर। हमने तो है बामड़ा गाँव का भी जो है काफ़ी अच्छा इतिहास है, बावला गांव के जो है खिलाड़ी जो है हमारे हरियाणा में जो है प्रसिद्ध है, जो है ना काफ़ी जो है हमारे हरियाणा का बामड़ा गांव ने जो है नाम रोशन किया है उनके पहलवानों ने। तो मतलब वो गांव में जो आपके खाड़े की व्यवस्था कैसी है पहलवानों के लिए? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सर जी, यहाँ पर घर के लिए ये बोर की बात नहीं है, 10 दिन से लंगोटी हर घर में लंगोटी बच्चे ने बांधी है और लंगोटी के सोचे रहे हैं। मतलब आपके गांव में कितने पहलवान हैं, कुश्ती के कितने पहलवान हैं? बहुत सारे हैं सर जी, लगभग 10 अखाड़े हैं, 10 अखाड़े में लगभग 50-60 नौजवान मिलते रहते हैं और आर्मी में गए उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। आर्मी में मतलब कितने जवान हैं भाई आपका बामड़ा गांव से? आर्मी में लगभग होंगे 5-6 हज़ार नौजवान है जी। आपके बामड़ा गाँव के? देखिए एक बार इन बालका का हमारे जो है ऐसा 16 धमाका न्यूज के माध्यम से जो है आप जो है यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं अपने बच्चों के साथ में, जो कि झूले के ऊपर जो है काफ़ी उत्साहित है और जो है मनोरंजन के लिए जो है ऐसे जो है बच्चों के लिए टॉयज की व्यवस्था है, खिलौने की व्यवस्था है, झूले की व्यवस्था है, तो बच्चे जो है हमारे जो है झूले का जो है आनंद ले रहे हैं। तो जो है आप देख सकते हो बच्चे कितने उत्साहित हैं और शायद ये भयभीत भी है इतनी ऊंचाई पर आकर के। बोलता था कि मैं इसमें कुछ इसमें ये बताओ वो चार में ऊंची चमड़ी कुछ सही का सीन लो बाबा तेरा इसका नहीं करिए एक बार इसका नहीं इस बाइक का नहीं वही बाइक का नहीं कर अरे मित्र एक बार हमारे सारे दर्शकों ने राम राम बोल दे राम राम भाई सारे ने और के बोलता है ये तो है हमारा हरियाणा का एक ट्रेंड भी है, अगर कुछ करते हैं तो उसका कुछ उल्टा करके दिखाना भी हमारा हरियाणा का ट्रेंड है।
उधर आप देख सकते हो हम जो है अभी जो है दुल्हे से काफी ऊंचाई पे है और जो है कितना सुंदर जो है मेले का नजारा देखने को आपको मिल रहा है। और तो भाई अब जो है हमारा जो है ये जो है दुल्ला लगाया हुआ है मेरे के अंदर ये स्टार्ट हो चुका है। हरीश भाई ने तो चक्कर आने लग रही है। सारे दर्शकों भाई राम राम। से मैं पहले तो चक्कर वाली कोई बात कौन भाई रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज भाई ये मेला लगाया गांव बामला में जिला भिवानी में भाई बहुत आनंद आने लग रहा है भाई बहुत मजा आने लग रहा है। ये भाई आए हैं भाई हमारे न्यूज चैनल की ओर से इन भाइयों ने इंटरव्यू देने लग रहे हैं भाई बहुत धन्यवाद भाई आपका पाए गाँव बामला में। वो तो ठीक है बाकी चक्कर को नहीं आंदे गए चक्कर क्या होते भाई साहब जाट जमींदार है बाड़गा भाई तनुए चक्कर आने लगे तो भाई फिर गाजर कौन बोगा भाई नुए मर लेंगे इन्हें जाट सी तो हाल है तेरी जाट सी तो भाई नुए हाल जा रहे भाई गांव बामड़ा भाई बस बड़े बड़े हाल जा भाई नू को करा लगा तो बहमा हाल लग रहा है और का दुश्मना ता लग रहा है तो दो चीज ज्यादा हाल लग रहा है भाई गांव बामड़ा ना दुश्मना ता ले रहे भाई गांव बामड़ा भाई बस भाई लोग हाल ले लाने लग जा रहे जाट भाई। और बता भाई आनंद बड़ी आ रहा कुनी आ रहा आनंद भाई भगवान कसम ईसाई साधन भाई भगवान रोज देव है दो दूर दूर दो सौ मैरिड है भाई जब मान ली भाभी होंगी तो किसावर आनंद भाभी और तो भाई सके में दुगना तिगना और भाई और के मेरा भाई बैठने बिना दे और दुर्लभ है वो तो भाई नारी नारी बात तो एक बार बता जब मान ले तेरी तेरी घरवाली इसमें बैठी होंगी इसकी भाभी हाँ तो उन्हें इसी ने बैठने दे रखे कौन बैठने डरता है भाई बात उसकी मर्जी थी कवर ही ने बैठा ले तो बैठा ले यार भाई अरे लाट जा तो केवरा टाल भी करनी पड़ जा भाई बाकी बात नु भाई मेला का बढ़िया आनंद आ रहा है हाँ तो बच्चे काफी उत्साहित है इन टॉयज को लेकर के इन झूलों को लेकर के काफी उत्साहित है। हाँ भाई सब कुछ बढ़िया आनंद आ रहा है भाई सारे बच्चे जो बहुत जोर जोर से दिन का इंतजार करे भाई आज दिन देखने मिला भाई सारे बच्चे इस मेला ने देख के मारे दर्शक भी नुता हो गए भाई हम भी जो मेला देख के आवा तो उन तो आप क्या कहना चाहोगे मैं ये कहना चाहूंगा भाई रक्षाबंधन गुरुपक्ष में मेला लगा है आप आओ जीत भी रहो भाई एक बार मेले में आओ आनंद लो बाबा खेड़े की भाई बाबा खेड़े पाओ रहने खाने की खाने पीने की सारी सुविधा भाई तो मेला तो आज खत्म हो जाएगा फिर दर्शक कद आओगे दर्शक भाई अगले साल आओ जिसने मौका नहीं मिला वो अगले साल आओ भाई क्या हर वर्ष इसी भांति जो है मेला मेला का आयोजन होता है। हाँ हर वर्ष जोरों शोरों जिस मेला का भाई आयोजन हुआ है आओ खाओ पियो बाबा का भोग लो भाई बाबा खेड़े की भोग लगाओ और अपना आनंद प्राप्त करो भाई। एक बात और कर मारे दर्शक तो भी कहते भाई इस वीडियो ने लाइक कर दियो शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई चैनल ने लाइक करो सब्सक्राइब करो और भाई कमेंट करो कम से कम भाई 1000-2000 कमेंट होने चाहिए मेरे की प्रतिक्रिया बताओ भाई बाबा खेड़े की भाई अपने आशीर्वाद लो भाई और अपने आराम से इंजॉय करो भाई जिंदगी ने Yeah.